हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज इस वीडियो में हम पार्ट फोर्थ फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ़ फ़ैट्स एंड ऑयल को स्टडी करेंगे इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में इंपॉर्टेंस ऑफ फ़ैट्स एंड ऑयल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन को पढ़ा उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ़ फ़ैट्स एंड ऑयल को कवर किया थर्ड पार्ट में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ़ैट्स एंड ऑयल को कवर किया एंड आज फोर्थ पार्ट में फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स एंड ऑयल को कवर करेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशंस फैट्स क्या हैं फैट्स फैट्स ट्राईस्टर्स हैं जो कि ट्राईस्टर्स हैं लॉन्ग चेन ऑफ सैचूरेटेड फैटी एसिड्स के विद गलेसरोरोल के साथ एग्जांपल वूल फैट ऑयल्स क्या हैं ऑयल्स ट्राईस्टर्स हैं लॉन्ग चेन ऑफ अन फ़ैटी एसिड्स के विद गलेसरोरोल एग्जांपल ऑलिव ऑयल सैचरेटेड फ़ैटी एसिड्स कौन से होते हैं सैचूरेटेड फ़ैटी एसिड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो इन साइड चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में एंड सैचुरेटेड फ़ैटी एसिड सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे एंड फॉर्म कर ये हमें एनिमल सोर्सेस से मिलते हैं अन फ़ैटी एसिड्स कौन कौन से होते हैं अनसेचुरेटेड फ़ैटी एसिड्स होते हैं जिनमें एक या फिर एक से ज़्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो इन साइड चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में एंड अनसेचुरेटेड फ़ैटी एसिड लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे एंड हम इन्हें प्लांट सोर्सेज से ऑप्टेन करते हैं जो सैचुरेटेड फ़ैटी एसिड्स होते हैं ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को इंक्रीज करते हैं जिनकी वजह से आर्टरीज में ब्लॉकेज होती हैं एंड uh, हमें हार्ट डिजीज़ और कार्डियक डिज़ीज़ हो जाते हैं सैचूरेटेड फ़ैटी एसिड्स कंज्यूम करने की वजह से जो अनसेचूरेटेड फ़ैटी एसिड्स होते हैं ये लोअर करते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल को फर्स्ट फंक्शनल प्रॉपर्टी है इनकी न्यूट्रिशन जो फैट्स फैट्स हैं जो मोस्ट कैलोरी डेंस कंपाउंड होते हैं फूड में वेइंग इन एट ओवर टवाइस द कैलोरी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से दुगनी कैलोरी हम ये प्रोवाइड करते हैं फैट्स एक इफेक्टिव मेथड है अगर आपको कैलोरी डिलीवर करनी है अगर नीडेड हो फैट्स इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं डिलीवर करते हैं ये फैट सॉल्युबल वाइटामस जैसे कि फैट सॉल्युबल वाइटामस कौन कौन से हैं वाइटमिन ए डी ई एंड के असेंशियल फैटी एसिड्स प्रीकर्सर्स होते हैं इक्ोसापैथनॉइक एसिड्स के और डिकोसा हेक्जनोइक एसिड्स के ये दोनों एसिड्स मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोस्टाग्लाइडनस को थ्रोम्बोबॉक्सिन को लिक्वेट्रोन्स को जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है जो थ्रोम्बोबॉक्सिन है वो रेगुलेट करता है ब्लड क्लॉटिंग को एंड लिक्वेट्रोन्स रेगुलेट करते हैं इन्फ्लामेशन एंड ब्लड प्रेशर को एंड uh, जो फैट्स एंड ऑयल है वो सर्व करते हैं एज थर्मल इंसुलेटर इन द सबक्यूटिनस टिश्यू एंड अराउंड सर्टेन ऑर्गेंस नेक्स्ट फंक्शन प्रॉपर्टी इज स्टिटी फैट्स जो हैं वो प्ले करते हैं इम्पोर्टेंट रोल इन मेक सेटिसफाइंग और मेकिंग अस फीलफुल जब हम फैट्स एंड ऑयल रिच डाइट कंज्यूम करते हैं तो हमें जो uh, हमें ऐसा फील होता है कि हम हमें भूख नहीं लगी है काफ़ी तम टाइम तक हमें भूख नहीं लगती है क्योंकि जो फैट्स होते हैं उन्हें डाइजेस्ट होने के लिए एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन ज़्यादा टाइम लगता है हाई फैट फूड स्टे इन स्टमक लॉन्गर जिस फूड में ज़्यादा फ़ैट होती है वो स्टमक में ज़्यादा टाइम रुकता है एंड डाइजेस्ट होता है एंड जिसकी वजह से हमें हंगर की फीलिंग है जो नहीं होती हीट ट्रांसफर फंक्शनल प्रॉपर्टी है फैट्स एंड ऑयल की नेक्स्ट इज अट ट्रांसफर फैट्स हमें प्रोवाइड करते हैं मोस्ट एफिशेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग कुकिंग हॉट ऑयल है जो हॉट ऑयल होता है वो उसकी एबिलिटी होती है कि वो ट्रांसफ़र करता है हाई लेवल हीट का टू द सर्फेस ऑफ द फूड विदाउट ओवर हीट किए इंटीरियर को इंटीरियर पोर्शन होते हैं जो उनको विदाउट ओवर हीट किए तो ये हमें हम यूज़ करते हैं यूजिंग फैट और ऑयल्स टू ट्रांसफर हीट आल्सो फैसिलिटेट क्रम फॉर्मेशन तो हीट ट्रांसफर फिनोमिना की वजह से क्रम फॉर्मेशन है जो फूड में आती है एंड क्रस्ट फॉर्मेशन नेक्स्ट फंक्शनल प्रॉपर्टी इज़ फ्लेवर जो फ़ैट है हर तरह के फ़ैट का अपना एक यूनिक अबिलिटी होती है कि वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं एंड प्रिजर्व कर सकते हैं फ्लेवर को एंड इनका खुद का अपना एक फ़्लेवर होता है जो फैट्स होते हैं उनमें ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि स्पेसिफ़िक फ़्लेवर एंड अपना फ्लेवर है जो कंटेन है uh, करते हैं दिस स्पीशिय स्पेसिफिक फ्लेवर ऑफ मीट इज़ कैरिड इन देअर लिपिड द फ्लेवर ऑफ़ बीफ एंड लैम्प आर डिस्टिंग्विशिबल इफ़ द लिपिड्स और स्टिप्ड फ्रॉम द मीट अगर हम लिपिड्स को मीट से हटा देते हैं तो जो फ्लेवर है बीफ एंड लैम्प का उसे डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है नेक्स्ट इज अ सॉलिबिलिटी जो फैट्स एंड ऑयल हैं वो सॉलेबल नहीं होते वाटर में ये अद, कुछ केमिकल्स में सॉलेबल होते हैं जैसे आ, ये दैट आर ओनली सोलेबल इन फैट ये जो आ, फैट्स एंड ऑयल है वो वाटर में सॉलेबल नहीं होते बट कुछ केमिकल्स में एंड फ़ैट्स में सॉलेबल होते हैं मैनी ऑफ द दीज फैट सॉलेबल कंपाउंडस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड फ्लेवर एंड इवन वाइटामिन कंटेंट तो इसी वजह से जो फैट सॉलेबल कम्पाउंडस होते हैं इनकी वजह से जो फूड में फ़्लेवर एंड न्यूट्रिशन एंड वाइटामिन कंटेंट है जो ज़्यादा जाता है इंक्लूडिंग फैट इन फूड अलाउज़ फॉर मैक्सीम फ्लेवर एंड वाइड रेंज ऑफ न्यूट्रिशनल कंटेंट एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी फंक्शनल प्रॉपर्टी इज़ प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी क्या होती है प्लास्टिसिटी कैपेसिटी होती है फैट की कि वो अपनी शेप को बनाए रखे द कैपेसिटी टू कीप इट इज़ द एबिलिटी और अ कैपेसिटी ऑफ फैट टू कीप इट्स शेप येट कैन बी मोल्डेड और शेप्ड बाय अप्लाइंग लाइट प्रेशर इट डिसाइड्स स्प्रेडेबिलिटी ऑफ फ़ैट ये डिसाइड करती है सप्रेडेबिलिटी ऑफ फ़ैट को एंड फॉर एग्जांपल बटर है जो सॉफ्ट हो जाता है एंड एक्स्ट्रा सप्रेडेबल हो जाता है जब उ, उसे हम नॉर्मल टेम्परेचर या फिर वार्म टेम्परेचर पे रखते हैं एज कंपेयर टू चिल्ड बटर जो चिल्ड बटर होता है वो उसमें प्लास्टिसिटी नहीं होती नेक्स्ट फंक्शनल प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग पॉइंट हम कौन सी टाइप का फैट यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए वो डिटरमाइन करता है कि फ़ाइनल प्रोडक्ट का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा डिफर डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड फैट इज़ ड्राइव्ड बाय देयर फैटी एसिड कम्पोजिशन एंड द अरेजमेंट ऑफ फैटी एसिड इन द ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल जो डिफरेंस है फैट्स एंड ऑयल का वो ड्राइव होता है फैटी एसिड कंपोजिशन से एंड अरेंजमेंट क्या है फैटी एसिड acid, का फैटी एसड्स का डरा मॉलिक्यूल्स में जो फैटी एसिड्स होते हैं उनकी जो चेन लेंथ होती है फैटी एसड चेन लेंथ और नंबर ऑफ प्लेसमेंट ऑफ डबल बॉन्ड इन द चेन डिटरमाइन करते हैं मेल्टिंग पॉइंट जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो टेम्परेचर होता है किसी भी सबस्टांस का जब वो सॉलिड से लिक्विड में तब्दील होगा वो हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट ठीक है जो लो मेल्टिंग पॉइंट है वेजिटेबल ऑयल्स का वो अलाउ करता है सेलिड ड्रेसिंग टू स्टे इन लिक्विड फॉर्म वेन रेफ्रिजरेटेड एंड जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो चॉक जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिटरमाइन करता है फंक्शनैलिटी एंड सेंसरी करेक्टरिस्टिक ऑफ फैट फॉर एग्जांपल जो चॉकलेट है होता है उसमें प्रॉपर्ली क्रिस्टलाइज्ड बटर डाला होता है जिसका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड स्लाइटली ब्लो होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर से विच गिव चॉकलेट इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेल्टिंग और कूलिंग ऑन द ट नेक्स्ट फंक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इज इमर्शन जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं मोस्ट ऑफ द इमोशंस का इमल्सिफाइंग एजेंट है जो होता है वो लिक्विड प्रोडक्ट में प्रोड्यूस करता है एक यूनिक फ्लेवर और टेक्सचर क्वालिटी लेथिन लेथिन एक इमल्सिफाइंग एजेंट है देर आर मैनी इमोशंस इन द कलनरी वर्ल्ड इंक्लूडिंग सेलेड्रेसिंग एंड चीज़ सॉस इमासिफाइंग फैट इनटू टू द लिक्विड प्रोड्यूस यूनिक फ्लेवर और टेक्सचर क्वालिटी तो इमल्शन की हमने एग्जाम्पल ली लेसिथिन लेथिन एक फॉस्फोलिपिड है जो कि एग योग से मिलता है एंड ये हेल्प करता है स्टेबलाइज करने को इम्यूनिज को अगर हमें स्टेबलाइज करना है तो ये हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन है जो फैट में वो नेसेसरी स्टेप होता है नंबर ऑफ द प्रोडक्ट में जैसे कि केक आइसक्रीम फ्रोजन डेजर्ट्स में नेक्स्ट फंक्शनल प्रॉपर्टी इज़ शॉर्टनिंग जो फैट्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे जो कि हमें एक क्रम्बली टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं इसे हम शॉर्टनर्स बोलते हैं एज दे ब्रेक जब वो ब्रेक हो जा ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूटिन का इनटू शॉर्टर स्टैंड में एंड ग्लूटिन की फॉर्मेशन को बंद कर देते हैं बाय प्रिवेंटिंग फ्लोर फ्रॉम अब्जॉर्मिंग वाटर इसे शॉर्टर्स बोला जाता है Most of dough and जो ऑयल्स एंड फैट्स हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं बेक्ड प्रोडक्ट में रिड्यूस करने के लिए डेवलपमेंट ऑफ ग्लूटन जो कि हमें क्रम्बली टेक्सचर देगा जो फैट्स एंड ऑयल है वो ब्रेक डाउन कर देते हैं ग्लूटन को शॉर्टर स्टैंड में जि, जिन्हें हम शॉर्टनर्स बोलते हैं जब हम फ्लोर को एंड uh, फ्लोर uh, को हम कोट करते हैं फैट uh, के साथ तो वो प्रिवेंट कर देता है फ्लोर को कि वाटर को वो अब्ज़ॉर्ब ना करे और ग्लूटन की फॉर्मेशन है जो नहीं होती अगर ज़्यादा ग्लूटन डेवलप हो जाता है तो फूड है जो वो स्टार्ची एंड इलास्टिक हो जाता है एंड जब हम रबिंग करते हैं फ्लोर की फैट के साथ तो बेक्ड प्रोडक्ट में फ्लैकी टेक्सचर आता है ठीक है डो ज़्यादा स्प्रेड होता है इनटू लेयर्स में स्प्रेड होना स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है फैट को अगर हम विस्क करते हैं शुगर के साथ तो उसे क्रीमिंग बोलते हैं जिसे हम केक एंड बिस्किट बनाने के लिए यूज करते हैं चूजिंग सॉलिड शॉर्टनिंग्स फॉर फूड एप्लीकेशन इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड देन लिक्विड ऑयल एज द शॉर्टनिंग स्ट्रक्चर इम्पैक्टेड फंक्शन सच एज फ्लैक्सी टेक्चर इन पेस्ट्री और स्मूथ माउथ फील इन ब्रेड इन मैनी ईयर्स For many years, much of this functionality was achieved through the use of trans fat. Trans fat are unique in, the, in that there are unsaturated lipids that function much like their saturated counterparts. Next functional property is texture. Fats and oil have a texture all their own but are also. रिस्पॉन्सिबल फॉर टेंडराइजिंग बेक्ड गुड वाया शॉर्टनिंग प्रोसेस जो फैट्स एंड ऑयल होते हैं उनका खुद का एक टेक्चर होता है बट ये आसो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेंडराइज करते हैं जब बेक्ड गुड को किस प्रोसेस के दौरान शॉर्टनिंग प्रोसेस के दौरान फैट्स प्रोवाइड करते हैं एक वेरी स्पेसिफिक लुब्रिकेंट माउथफील विच इज वाई मोस्ट जो ड्राई क्रैकर्स एंड चिप्स होते हैं आर सर्वड विद हाई कंटेंट डिप्स एंड सप्रेट्स एंड थैंक यू आज की आ, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है जो था फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स एंड ऑयल थैंक यू फॉर वॉचिंग नाइस डे